जिनके आपसे काम होगा, किसी न किसी रूप में फरियादी होंगे हमारे सामने, उनकी भी सुविधा का हम सबको ही चिंता करनी है, विभाग को चिंता करनी है। उनको ये आभास नहीं होने देंगे कि भाई हम तो सुविधा में आ गए हैं, लेकिन आप अभी असुविधा में ही बने रहिए। तो हमारे मन में भाव जरूर होना चाहिए कि सबको सुविधा मिले, और सभी जो नए भवन में समस्त सुविधाएं हैं इनका ठीक प्रकार से। एक चीज मैं जरूर देख रहा था अभी कि कुछ छोटी मोटी चीजें और थोड़ा हम लोग 98% तो हमने बहुत अच्छा भवन भी बना दिया है, बहुत अच्छी कुर्सियां भी रखी हैं, टेबल भी रखा है, एसी भी चल रहा है, अन्य लाइटें भी बहुत अच्छी हैं। अंदर रखने जाने वाले सामान हमारे जो है जो भी आए, तो उसको वास्तव में अब जो है ये 29 करोड़ की बनी है। कितने प्रेम भाई, कितने की बनी? 30 करोड़ रुपए। हाँ, लगभग 30 करोड़ की बनी है। तो 30 करोड़ की बिल्डिंग बनी है और अच्छी भी दिख रही, बाहर से भी अच्छी दिख रही है, अंदर से भी अच्छी है। तो उसमें मैंने 1% का अगर जो कमी है या कहीं पर कुछ और करने की आवश्यकता है तो उसको करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वो रखे हुए थे हमारे अलमारी, तो अलमारी थोड़ा ठीक है होगी, वहां से दूसरे ऑफिस से लाए होंगे, अभी बन ही रहा है, तो उसके भी थोड़ा वो हो जाए, पेंटिंग वेंटिंग जो भी होती है, तो एक सा भाव आ जाएगा। और हम आज नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, इन्होंने नारा लगाया जय श्री राम का, तो राम युग फिर से आया है और राम से ही राष्ट्र बनेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्घोष है। देव से जो है देश बनेगा, राम से राष्ट्र बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसमें हमारा अर्थ विभाग, संख्या विभाग, ये जितने भी हमारे विभाग हैं, ऑडिट वाले और नियोजन विभाग, सब मिलकर उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ये भी सोचने का विषय है। और मैंने अनेक अवसरों पर कहा है, बीच में आप लोग कभी बात कर रहे थे 1905 के दिन, मैंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि हर एक विभाग हमारे राज्य का जो स्वर्ण जयंती वर्ष है 2025, 2025 तक कोई ना कोई योजना अपने विभाग की, एक ऐसी योजना जो राज्य को समर्पित हो, जन को समर्पित हो, जनता को समर्पित हो, वो एक नई योजना धरातल पर उतारने के लिए अभी से काम शुरू कर दें। और उसके लिए हम बैठक भी करेंगे जल्दी, कि वैसे सभी विभाग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सबके बीच में आया हूं तो आपको ये स्मरण पुनः स्मरण करवा दूं कि एक योजना हमको, हमारे जितने भी विभाग हैं, अर्थ विभाग है, हमारा नियोजन विभाग है, फर्म सोसाइटी, चिट्स फंड, सभी को कि कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है कि हमारा क्या योगदान है। हम जब अपनी सेवा पूरी करके जाएं, उस विभाग के अधिकारी के नाते, उस विभाग के कार्मिक के नाते, उस परिवार के सदस्य होने के नाते, जिस विभाग में हमने काम किया है, हमने उसमें क्या योगदान दिया। हम 60 वर्ष की जो आयु है सेवा की, वो पूरी करके जाएं, तो ये जरूर हमारे पास बताने के लिए होना चाहिए कि हम उस विभाग में थे तो हमने वहां पर ये नवाचार किया, वहां पर ये काम किया जो आज भी चल रहा है। और आपके ही परिवार में कोई पूछ ले कभी आपसे कि अरे पापा, मम्मी, पिताजी, माताजी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, आपने इतने साल तक उस विभाग में काम किया, वहां आपने क्या दिया, उस विभाग के नाते आपने क्या योगदान दिया, तो हमारे पास छट से बताने के लिए हो कि नहीं, जब मैं इस विभाग में था तो मैंने ये काम करके दिया, मेरे समय में ये हुआ, मेरे समय में ये हुआ, उस समय ये योजना लागू हुई, उस समय आने वाले लोगों के लिए इतनी आसानी हुई, उस समय में बड़े बड़े रजिस्टर खोले जाते थे, लेकिन अब एक क्लिक में जो है सारा डाटा आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, सारा अकाउंट आ जाता है, चिट फंड में जो है लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी हो जाती है। ये हमने दिया, लोग लाइन लगाते थे, महीनों महीनों इंतजार करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लोगों से सिफारिश करवाते थे, उसके बाद काम होता था। हमने ये व्यवस्था बना दी कि अब किसी को सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ऑटो सिस्टम में आ गया, सब सो मोटो हो गया। जो छोटे मोटे लोग जो आते हैं बेचारे, जो फरियादी होते हैं, परेशानी में आते हैं, उनको जो है चक्कर न लगाने पड़े, वो कई बार
छोटे छोटे दफ्तरों में छोटे छोटे स्थानों पर उनसे कहा जाता है कि जो है अभी रुपया भी काम होने में दिक्कत है, काम अच्छा आया है, फाइल बनके ठीक आई है, लेकिन उसमें फाइल में कमी निकल जाती है, औपचारिकताएं कम पड़ जाती हैं। तो ये सब हमको अपने कार्य व्यवहार में लाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग लाएंगे। और जिस प्रकार से हम अपने घर की चिंता करते हैं, घर को स्वच्छ बनाते हैं, हर प्रकार से उसमें साफ सफाई करते हैं, और सफाई हमने भी इस वर्ष सफाई को प्रमुखता से लिया है। सफाई स्वच्छता इसमें क्योंकि हमारे राज्य का विशेष रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि देवभूमि भी है और लोग एक आस्था से श्रद्धा से पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, तो उनको स्वच्छता दिखाई देती है और पर्यटन के कारण से भी पूरी दुनिया के लोगों का केंद्र हमारा उत्तराखंड बनता जा रहा है। आज हम NCR के नजदीक हैं, हमारे यहाँ सब सेवाएं अच्छी हो गई हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, हवाई सेवाएं अच्छी हो रही हैं, आने वाले समय में और अच्छी होने वाली है। रेल सेवा अनेक स्थानों के लिए हम लगा रहे हैं। पिछले साल हमारे तीर्थ यात्री चार धाम में 46 लाख थे 22 में, और 23 में 56 लाख हो गए, 10 लाख की संख्या बढ़ गई है। तो ये स्वच्छता केवल यही नहीं, आप सबके माध्यम से जो आपके अन्य जगह पर भी कार्यालय चलते हैं वहां भी इसके अंदर तो कोई आए तो बिल्कुल उसको लगे कि अरे वाह हम तो कहाँ पहुंच गए। अभी बिल्डिंग जैसी बनी है उसको मेंटेन करने का काम, जो कार्यालय का भवन है उसकी स्वच्छता स्वस्थ रूप से उद्देश्य रखने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे मनोयोग के साथ आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और अपने जैसा इन्होंने घर बताया आपको कि आप अपने घर में आ गए हैं तो घर की जैसे देखभाल की जाती है वो देखभाल अवश्य करेंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये हमारे इसकी पहले दिन से जिस दिन ये बिल्डिंग शुरू हुई है उसी दिन से इस पर विशेष फोकस रहेगी। कोई आने वाला पान न थूक दे, कहीं गुटखा का दाग न पड़े, कहीं पर जो है रैपर फाड़ के डाल दिया, कहीं कुछ और डाल दिया, वो धीरे धीरे क्या है कि फिर वो नई बिल्डिंग भी उसकी आदत बन जाती है उस गंदगी को रखने की। तो ये आदत हमको पहले दिन से ही अनुशासन के रूप में और कड़े अनुशासन के रूप में तो आपसे कहूंगा कि यहां से शुरुआत हो। और आज की ये बिल्डिंग के उद्घाटन अवसर पर ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि हम इसको बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे और एक संकल्प लेकर जाएंगे कि नहीं स्वच्छता को हमने अपनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस दिशा में जरूर काम करेंगे और जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, उसमें इन सभी विभागों की जिनका आज भवन लोकार्पित हुआ है उन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप सब अपना योगदान देंगे। फिर से मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं।